नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदीप और आप देख रहे हैं मंदीप व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में मैंने एक मल्टीपर्पज़ टूल किट ली थी, तो जिसका मैं यूज़ भी लास्ट 1-1.5 महीने से कर रहा हूं, तो उसका रिव्यू करूंगा इस वीडियो में। तो 46 पीसीज की ये सॉकेट सेट वाली टूल किट है आसमा ब्रांड की। तो आज हम इस वीडियो में इसकी डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा और प्राइस भी बताऊंगा कि ये मेरे को कितने की कॉस्ट करी और कैसे फीचर हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं इसमें, कौन से हमें टूल्स मिलते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। करते हैं वीडियो को शुरू। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जैसे दोस्तों देख सकते हैं आप, 46 पीसीज का ये सॉकेट सेट है और आसमा ब्रांड का है। और यहाँ पे डिटेल दी गई है इनमें कौन कौन से हमें टूल्स, जो इसके कनेक्टर पार्ट्स मिलते हैं कौन कौन से हैं, वो डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। और इसके अलावा बॉक्स में कंपनी की ब्रांडिंग के अलावा कोई डिटेल, कोई ख़ास जानकारी हमें और नहीं मिलती। तो ओपन करते हैं बॉक्स को और दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से इसमें टूल हैं। तो वैसे तो इस किट को मैं यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 1-1.5 महीने से, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो बॉक्स खोलने के बाद दोस्तों हमें जो पहले तो केस मिलता है इसका, तो काफ़ी अच्छे मटेरियल का और दो कलर कॉम्बिनेशन में ये केस हमें देखने को मिलता है, ब्लू और येलो में। तो पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसकी सेटिंग किस तरह से है इसके अंदर। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे आप जैसे, तो यहाँ पे हमारे जितने बॉक्स पाना है तो वो सारे हैं और यहाँ साइजेस लिखे हैं उनके 4, 4.5। तो ये 4 नंबर से लेके 14 नंबर तक हमें यहाँ इसमें बॉक्स पाना मिलते हैं देखने को। और बात करूँ इसके रेंच की, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी हैवी रेंच है। और एक हमें स्क्रू ड्राइवर मिलता है इसमें और स्पाइनर हैंडल मिलता है टी बार वाला, और ये एडिशनल एक सॉकेट है इसमें। और ये टूल भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, फ्लेक्सिबल स्पाइनर है ये, किसी भी डायरेक्शन में हमने अगर काम करना है तो काफ़ी इजी कर देता है ये फ्लेक्सिबल स्पाइनर। और दोस्तों दो एक्सटेंशंस रॉड है इनके साथ, छोटे और बड़े साइज़ की। तो दोस्तों एक यूनिवर्सल जॉइंटर मिलता है हमें इसके साथ, तो किसी भी डायरेक्शन में हमने काम करना है तो ये काफ़ी कंफर्टेबल कर देता है हमारे उस काम को। और कुछ एलन कीज़ मिलती हैं जो छोटे साइज़ की, बिल्कुल ब्रीक साइज़ की एलन कीज़ हैं। तो देख रहा हूँ मैं, फोकस हो जाए तो आप वो भी देख सकते हैं। और इस तरह बात करते हैं हम स्क्रू ड्राइवर्स की, तो इसमें हमें काफ़ी किस्म के स्क्रू ड्राइवर्स मिलते हैं। तो जैसे ये टी सीरीज़ के हैं, एच सीरीज़ के हैं, पी एच हैं, तो जैसे एलन की वाले, ये एलन की वाले हमारे पास पड़े हैं, तो मैं इनके यूज़ भी दिखाऊंगा आपको अभी और साथ ही साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों रेंच सेट के साथ गोटी सेट की। तो जैसे दोस्तों ये रेंच सेट है हमारा, तो ये इस तरफ इसका लॉक है, तो इसको लॉक को हम ऐसे प्रेस करेंगे और हमारा बॉक्स पाना इसमें फिट हो गया। तो हमने जिस भी डायरेक्शन में लेके जाना है, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, तो यहाँ पर इसका स्विच है उसको एडजस्ट करने का, ठीक है। और बात करें, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको लास्ट 1-1.5 महीने से, तो काफ़ी ग्रिपिंग में भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ है। तो ये नहीं है जैसे मैंने कुछ ऑनलाइन भी देखे हैं तो थोड़ी क्वालिटी उनकी चीप होती है, तो उस तरह से नहीं है दोस्तों ये। बाकी हमने जैसे मैंने यूनिवर्सल सॉकेट के बारे में आपको बात की, तो ये यूनिवर्सल सॉकेट है इसकी, तो इसके साथ भी हमने अगर काम करना है तो सेम उसी तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे और किसी भी एंगल पे इसको यूज़ करना हो तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे भाई हैं टू व्हीलर रिपेयर कर रहे हैं, उनको किट चाहिए, यूनिवर्सल किट चाहिए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है। बाकी इसके साथ एक्सटेंशन हैं हमने जैसे बताएं, तो आप किसी भी एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स दे देता हूँ इसमें, तो ये हम किसी भी साइज़ के, जैसे साइज़ की ऑप्शन भी काफ़ी मिलती हैं हमें, 4 नंबर से लेके 14 नंबर तक इसमें साइजेस मिल रहे हैं। तो बस इसी तरह इजीली हम इसको फिट कर लेंगे और किसी भी एंगल पे काम करना है
तो बहुत ही आसानी से इसके साथ हमारा वो काम हो जाएगा। तो बाकी दोस्तों मैं पीछे जो हमारे आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी शोर हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में। और सबसे बढ़िया है जो मुझे लगा है इसके केस की जो क्वालिटी है, जिससे हमारा टूल जो है कभी भी मिसप्लेस नहीं होता, तो वो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अभी मैं आपको स्क्रू ड्राइवर के फीचर भी दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एच सीरीज़ के हैं, जो गोटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एलन की के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये छोटे वाले एलन कीज़ हैं। तो यहाँ पे हम चाहें तो इसको हम रेंच में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहें हम इसको स्क्रू ड्राइवर में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने स्क्रू ड्राइवर को भी ज़्यादा एक्सटेंड करना है, जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर लें अपने काम की ज़रूरत के हिसाब से, तो आप इस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको स्क्रू ड्राइवर में भी लॉन्ग हैंडल के साथ टी की ज़रूरत है, तो जो हमारा ये टी बार है, तो हम इसको भी यहाँ पे एडजस्ट जैसे करके टी का काम भी इससे ले सकते हैं, और काफ़ी इजीली किसी भी एंगल में हमने काम करना है तो काम कर लेंगे। तो दोस्तों ये मैंने कोई ऑनलाइन नहीं परचेज की थी, ये मैंने लोकल यहाँ लुधियाना गुडविल मशीन टूल से ही ख़रीदा है, तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो जो इसकी कॉस्ट भी थी मुझे वो अराउंड 1400 पड़ी थी। तो मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी चेक किया था, तो इसकी शायद की काफ़ी टूल किट्स वहाँ पे अवेलेबल थी, बट उनकी क्वालिटी कोई इतनी रिलायबल नहीं थी। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि ये स्क्रू ड्राइवर है, तो इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, आगे टेम्पर हुआ हुआ अच्छे से है ये, तो ये काम करते टाइम आपको मतलब भरोसेमंद चीज़ है अगर आप इससे काम कर रहे हैं, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। तो बाकी मुझे पर्सनली इसको यूज़ करते 1.5 महीना हो गया, तो उसी बिहाब पे भी मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ कि हाँ काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये और बेस्ट बाय। बाकी मैं डिटेल के लिए नीचे, इसकी डिटेल के लिए मैं गुडविल मशीन टूल्स के लिंक और नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो पे पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक। और इस तरह की टूल्स के रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें चैनल के साथ, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।